नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मजे में हो ना? टीकू देखो, ये कौन है? ये है टीकू। कौन है टीकू? ये आप सब से मिलने आया है। टीकू, सबको नमस्कार करो। नमस्कार, नमस्कार। देखा दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है स्वच्छता। क्या नाम है? स्वच्छता। तो शुरू करें। आप तैयार हो? डीकू, आप तैयार हो? हाँ, हाँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मोहन और अजय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ घर पर आते थे। एक दिन अजय का जन्मदिन था। मोहन अजय के लिए एक भेंट लेकर गया। भेंट में क्या लिया था पता है? एक अच्छी सी किताब। और उस किताब को मोहन ने रंगीन कागज से सजाया हुआ था। मोहन अजय के घर जाने को निकला। जाते 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 रास्ते में किसी ने मोहन के ऊपर केले का छिलका डाला। मोहन ने ऊपर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। केले का छिलका डाला, ये बही गंदी बात थी। टीकू, कैसी बात थी? गंदी बात, गंदी बात। हाँ दोस्तों, मोहन ने केले का छिलका उठाया और जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान की हालत बहुत ही खराब थी। सारा कचरा इधर उधर पड़ा हुआ था और वहाँ मक्खियाँ भी भिन भिन आ रही थी। मोहन को ये बड़ा अजीब लगा। थोड़े आगे चला तो देखा तो एक नाली पर कड़ा कूड़ा अटका हुआ था। सारा गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था और उससे बदबू भी आ रही थी। क्या आ रही थी टीकू? बदबू, बदबू। मोहन ने रुमाल लिया, अपने नाक पर रखा और आगे बढ़ा। आगे गया और अजय के घर आया। अजय के घर आकर मोहन ने अजय के माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और अजय को जन्मदिवस की बधाई दी। अजय के बहुत सारे मित्र भी आए हुए थे। उन सभी ने मिलकर जन्मदिन मनाया। मोहन अजय की दादी से भी मिला, जो कि बीमार थी, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी थी उसके मोहल्ले में। उसी के कारण उसकी दादी भी बीमार हो गई थी। उसका आशीर्वाद लिया। मोहन ने देखा तो खाने की कुछ चीज़ें मेज पर रखी हुई थी, जिस पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। मोहन के मन में प्रश्न उठा। उसने अजय की मम्मी से कहा, आंटी जी, यहाँ नगर पालिका वाले नहीं आते? यहाँ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता? अजय की मम्मी ने कहा, बेटा, सफाई का ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते हैं और इधर उधर डाल देते हैं, और इसी के कारण यहाँ कचरा रहता है। उस दिन मोहन ने अजय के जन्मदिन की बधाई दी। फिर दूसरे दिन मोहन ने ये सारी हकीकत अपने अध्यापक से कही। किससे कही टीकू? अध्यापक से, अध्यापक से। देखा, मोहन ने सारी बात बता दी और अध्यापक ने सभी छात्रों को समझाया कि गंदगी से रोग फैलता है, हम सब बीमार होते हैं और इसीलिए हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन अध्यापक ने मिलकर अजय के मोहल्ले में जाने का फैसला किया और वहां जाकर सभी बच्चे टोकरी और झाड़ू लेकर अजय के मोहल्ले में पहुंच गए।
क्या लेकर पहुंचे टीकू? टोकरी, झाड़ू। और सभी छात्रों ने पूरे मोहल्ले की साफ सफाई कर दी। ये सब अजय के मोहल्ले वाले देख रहे थे। अध्यापक ने अजय के मोहल्ले वालों को कहा कि अब के बार हम हर रविवार को आएंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। ये सुनकर अजय के मोहल्ले वालों को शर्म आई। उन्होंने कहा कि मास्टर जी, अब की बात आपको नहीं आना पड़ेगा, हम खुद हमारी सफाई रखेंगे, हम हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रखेंगे। इस तरह अजय, मोहन और सभी छात्रों ने मिलकर स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, हमें भी अपना विस्तार साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से तो ही सारे रोग फैलते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आप अपने आप को स्वच्छ रखोगे, घर को स्वच्छ रखोगे और हमारे आसपास के विस्तार को भी हम साफ सुथरा रखेंगे। टीकू, तुम रखोगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। देखा, टीकू भी कह रहा है कि वो भी अब से साफ सुथरा रहेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई? आई ना? तो क्या करना है हमें? सबसे पहले लाइक करना है और आपने सुनी आपके दोस्तों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपके कोई सूचन हो, कोई मार्गदर्शन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद। टीकू बोलो जय हिंद, जय हिंद। Ha 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 ha!